हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है मंडे एंड हम लोग आए हैं तेलिया पूजा करने के लिए। ये रहा डुगू, नहा धो के सुबह सुबह रेडी। चिकू भी रेडी है और चलिए मैं दिखाती हूँ और शूट करती हूँ तेलिया के बारे में, कैसे होता है यहाँ का पूजा एंड वगैरह वगैरह। सो चलिए हम लोग मिल के चलते हैं एंड लेट्स गो। यहाँ का मंदिर और आजू बाजू आपको कुछ ऐसे दुकान देखने को मिल जाएंगी। आज बहुत कम ही रश है वैसे, कल ज़्यादा भीड़ थी। शनिवार को? अच्छा नहीं, कल तो संडे था ना। और इस तरह से जैसे आज संडे है, कुछ बास्केट होगा ट्यूसडे। अच्छा अच्छा, समझ गए। ऐसा कुछ बास्केट मिलेगा जिसमें आपको, इस बास्केट में है एक नारियल, कुछ फूल, फिर मिठाई 1.25 किलो और अगरबत्ती, सिंदूर और ये चुंदरी। अच्छा कच्चा धागा वगैरह सब है, आंटी बता रही है। इन आंटी जी के दुकान से मैंने सारा कुछ लिया हुआ है, तो वही वो बता रही थी कि इनमें सब कुछ डाल दिया है। और यहाँ हाथ वाथ धोने के लिए ये रहा यहाँ का मंदिर। अभी बंद है, कुछ काम चल रहा है ऊपर। अच्छा ये हमेशा बंद रहता है ना, दुर्गा पूजा के टाइम में भी नहीं खोलते हैं। अष्टमी को सिर्फ दर्शन कराते हैं अंदर। जय माँ। तो ये मंदिर के पीछे साइड का कुछ ऐसा है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ के दीवार में बहुत सारे लोग बहुत अपना मन्नत मांगते हैं और आजकल इसमें लिखते भी हैं, और भगवान उस मन्नत को पूरा कर देती है जल्दी। मैया के इसमें बहुत शक्ति है। वहाँ रहे सुमित, वो भी अपना मन्नत लिखते हुए, मैंने भी लिखा है। लेट्स सी मैया कब तक पूरी करती है मेरी मन्नत को। चीकू का हो गया पूजा, पुजारी चीकू। एंड आसपास आपको बहुत सारे ऐसे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ की पूजा का हर एक सामान मिलता है यहाँ। तो यू नो, आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी घर से। जय माँ तेलिया। वो रही भारती, रही भारती हमारे बास्केट के साथ, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। भारती अपना और सुमित का और हम सब का रखी हुई है। वो रहे सुमित, टीका नहीं लिया? अच्छा टीका है। तो सब बच्चे, बच्चों का भी पूजा होने के बाद सबका मस्ती चल रहा है। क्या कर रही हो? सो अब हो गया हमारा यहाँ का पूजा। वो रहा मंदिर, होपफुली मैया हम सबकी मनोकामना को जल्दी पूरा कर दें। अब जा रहे हैं हम लोग घर वापस। नन्ही परी और वो रहा, और वो रहा छोटा सा बाल गोपाल, कहाँ गया? और उससे भी ज़्यादा छोटा वाला बाल गोपाल। रहा पूरा मंदिर यहाँ का। दुर्गा पूजा के टाइम में यहाँ बहुत भीड़ रहती है, बलि भी दिया जाता है ना? बहुत ज़्यादा, बहुत इंडिया में सबसे ज़्यादा बलि यहीं पर पड़ता है। ये रही भारती की जुबानी सुनिए, क्योंकि ये यहीं रहती है तो इनको ज़्यादा पता है यहाँ के बारे में। शक्तिशाली वो तो है ही, मनोकामना बहुत जल्दी पूरा करती है माँ। तो यहाँ ज़रूर आए, अपना मन्नत मांगे और देखिए माँ सब पूरा कर देंगी। तो अब चले हम लोग घर की ओर।